सहारनपुर में एक महिला ने अपने 3 नाबालिग बेटियों को जहर देकर खुद भी जहर खा लिया, जिससे महिला और उसकी 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 1 बेटी की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। मामला गंगो थाना क्षेत्र का है, जहां मोहल्ला टाकान निवासी संजय और अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी पत्नी ममता ने अपनी 3 नाबालिग बेटियों को जहर दे दिया और उसके बाद खुद भी जहर खा लिया। इलाज के दौरान ममता और उसकी 2 बेटियों आरची और आरवी की मौत हो गई, जबकि सोना का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि मृतक महिला ने जहर खाने से पहले अपने मायके में फोन कर भाई को जहर खाने की सूचना दी थी। ममता का भाई आनंद फानन में अपनी बहन के ससुराल पहुंचा और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, मगर इलाज के दौरान बहन और 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 1 बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। जी ये तो मुझे पता नहीं किस तरह से हुआ। जी मेरे पास कॉल आया था उनका 1:30 बजे। आपकी बहन का? जी, बोल रही थी कि मैं दवाई खाने लग रही है और अपने बच्चों को भी खिलाने लग रही है। फिर जी उसके बाद उसने कॉल काट दिया तुरंत। फिर जब मैंने इधर से किया कॉल तो उसने बोला कि अब तो मैंने खा भी ली। फिर मैंने तुरंत अपनी जीजा पर कॉल करा। जीजा को बताई सारी बात। मैं बाहर जा रहे थे काम करने के लिए, तो वहाँ से मोटरसाइकिल ले गए, एकदम घर आ गए। घर आ गए उन्हें अपनी रिक्शा में ले गए, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए जी मैं। फिर उसके बाद 2 बजे करीबन हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए थे जी मैं। उसके बाद 8 बजे तक सही रहे मैं। फिर पेट में दर्द होने लगे मुझे बहुत तेज। उसके बाद फिर हम सरकारी हॉस्पिटल में गए। 2 बच्चे और माँ की स्थिति एक्सपायर हो चुकी है जी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही SP दोहात सागर जैन अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक कलह के कारण महिला ने कदम उठाया। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। जो गंगो में एक प्रकरण हुआ था कल कि एक महिला ने अपने बच्चों के साथ मिलकर एक जहर खा लिया था। इनके परिवारजनों से जब पूछताछ की गई यहाँ पर तो इन्होंने बताया कि पारिवारिक झगड़ा हुआ था कल, जिससे क्षुब्ध होकर महिला ने अपने बच्चों के साथ मिलकर कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया था। और उसके बाद परिजनों द्वारा तत्काल वहाँ पे स्थानीय अस्पताल में भी इनका इलाज कराया। वहाँ पर जब तबीयत इनकी बिगड़ी तो 8 बजे के अराउंड इनको CHC गंगो ले गए। वहाँ से जिला अस्पताल सहारनपुर के लिए उन्होंने रेफ़र किया। यहाँ पर एंट्री 12:30 बजे की है, जिसमें कि जो महिला हैं और उनके 2 बच्चे हैं वो मृत अवस्था में पाए गए, और जो तीसरी बच्ची है सोनिया उसका इलाज चला। और आज सुबह जब डॉक्टरों से भी वार्ता की गई तो जो तीसरी बच्ची है वो आउट ऑफ डेंजर है, उन्हें ये डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। और यही पूरा मामला अभी तक परिजनों से पता चला है कि पारिवारिक झगड़े से क्षुब्ध होकर ये कार्य किया, और इसमें और भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है जो भी तथ्य सामने आएंगे। जी 3 लोगों की, एक महिला और उनकी 2 बच्ची। जी बिल्कुल, इसमें जो है इसमें पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसमें अग्रिम जो भी तथ्य सामने आएंगे और भी पूछताछ के माध्यम से उसमें फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जहर खाने की वजह से महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत हो चुकी है। 1 बच्ची की हालत अभी नाजुक है। परिजनों से पुलिस को पूछताछ में पता चला कि मृतक महिला ने परिवार में बच्चों के झगड़े से आहत होकर जहर खा लिया। हालांकि पुलिस अभी हर एंगल से जांच कर रही है ताकि सही तथ्य सामने आ सके। पंजाब केसरी TV के लिए सहारनपुर से राम कुमार पुंडीर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।